अलैकुम, गुड मॉर्निंग। हॉलीडेज आर ओवर, मंडे आ चुका है, मस्ते ख़त्म हो चुके हैं। संडे तक मज़े थे, हमने खूब इन्जॉय किया, नींद की, बड़े मज़े थे। लेकिन आज जल्दी उठना पड़ा और जाने के लिए तैयारी करनी है। ऑफिस जाना है आज, तो पुरानी रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए आपको पता, पहले शॉवर लेना है और नाश्ता करना है, फिर जाना है। तो नहाने के बाद मिलते हैं। अलैकुम, शॉवर ले लिया गया, वेरी फ्रेश, गुड मॉर्निंग। क्योंकि आँख खुल नहीं रही थी तो अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस ये है कि इतने दिनों के बाद जाना, आपको पता है, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, यूनिवर्सिटी लाइफ हो या जॉब लाइफ हो, तो अजीब ही लग रहा होता है, लेकिन जाना तो पड़ता है। सो आप तैयारी शारी करते हैं, नाश्ता करके फिर मिलते हैं आपसे। तो जनाब, आप रेडी हो चुके हैं, अब हमारे जाने का वक्त हो जाता है ऑफिस में। तो आपको जाके मिलते हैं ऑफिस में और DHA भी दिखाते हैं कि आपको क्या क्या नई चीज़ें बन रही हैं, और डेली बेस पे आपको DHA की एक नई चीज दिखाएंगे जिससे आप लुत्फ़ में रहोगे एंड यू विल एंजॉय ओवर देयर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑफिस पहुंच चुके हैं। अपने ऑफिस जाने से पहले मैंने सोचा अपने बड़े भाई से पहले आके मिल लें, इन्हें ईद मुबारक कह दें। ईद मुबारक आमिर साहब। मेहरबानी जनाब, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, ये हमारे असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर हैं, माशाल्लाह हैवी एक्सपीरियंस रखते हैं, माशाल्लाह काफी टैलेंटेड हैं। तो कैसे आमिर साहब? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फिट फाट जनाब। तो ये बताएं सर, ईद कैसे गुजरी? ईद जी माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन गुजरी है। चलो माशाल्लाह, अपनी कॉल कभी बंद करिए, बाद में ये हैंडल डाले। अच्छा, ईद अच्छी गुजरी है। कल आप हमारे जलालपुर पीर वाला गए हुए थे, आपने हमें बताया था कि इंसाफी है ना? बस यार, असल मेरे जहन में ये था कि मे भी हो सकता है कि आप मुल्तान में हो। बाकी मैं मुल्तान में था, ठीक है ना? तो इस वजह से जो है ना, मैंने कहा जो है ना, अपना डिस्टर्ब ना करें, आपको सुकून से रहे, आपको पूरा पॉलिटिकल जो। चलो सर, बहुत शुक्रिया। अब अपने ऑफिस पहुंच चुका हूँ, ये देखे, ये मेरे साथ बैठे हैं हमजा शफीक साहब। हमजा साहब, ईद मुबारक। सर कैसे हैं आप? ठीक है, ईद अच्छी से गुजरी है आपकी? चले माशाल्लाह, खुश रहें। ये देखे जो खाने की मशीन हमारे साथ बैठी है, क्या हाल चाल है जवेद साहब? सर ईद मुबारक। सर खैर मुबारक। सर कैसी गुजरी है आपकी? बहुत माशाल्लाह अच्छी गुजरी। अच्छी गुजरी है। खाने में औलाद रखे या फिर खेच के रखे? इस मामले में कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं रखे। इरफान आया था आपके पास? आया था। चले, ग्रेट हो गया। अगली बार हम DHA मुल्तान की सेक्टर I में मौजूद हैं। हाल ही में इसकी पोजेशन हुई है, अबाउट 3 मंथ्स एगो। बहुत सारे घर यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि लोग जो DHA ने ऑफ़र दी हुई है कि अगर आप अपनी ग्रेड स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस वो वेव ऑफ हो जाएंगे, वो वापस हो जाएंगे। तो इसलिए लोग इस्तफादा हासिल कर रहे हैं DHA की दी गई ऑफ़र से। अब ये दिखाते हैं, वी आर एट DHA मुल्तान सेक्टर I। बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप देख सकते हैं डबल स्टोरी, एंड यहाँ पे आप देखिए स्पेनिश स्टाइल एंड ऑल दैट। इस तरह से सेक्टर M, सेक्टर Q, R, यहाँ पे तो वैसे नंबर ऑफ हाउसेज बन चुके हैं, इसलिए कि सेक्टर I में भी बहुत सारे घर बन रहे हैं। ये अभी स्टार्ट है, लेकिन वो भी सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, उसके स्टील बार, ये घर है, आगे भी जाके लोकेशन में। सो इट्स वेरी नाइस एंड गुड। इस गर्मी में घूमना भी बड़ा क्रेजी मोमेंट होता है, लेकिन फॉर बीइंग अ सिविल इंजीनियर आपको एक साइड पे जाना पड़ता है, यू हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग। सो आई एम हेयर, लेकिन अल्लाह मददगार होता है, अल्लाह हमारी मेहनत कराएगा, नहीं जाने देता। सो दैट्स व्हाई वी आर हेयर। अभी दूसरी साइड्स पे भी जाना है, वहाँ पे भी जाके चेक करना है। तो मिलते हैं बाकी साइड्स। ये मेरे दोस्त की लिखी हुई शायरी है, इरफान सऊद साहब। गज़ब व खौफ के साए में जी रहे हैं, ऐ खुदा तेरे बंदे लब सी रहे हैं, अदलो इंसाफ के तराजू बेकार यहाँ पर। ओहो, अदलो इंसाफ के तराजू बेकार यहाँ पर, इदारे इल्म के नाम पर खून पी रहे हैं। माशरा बनामे तरक्की बदउनवानी पे तुला है, वो लोग भी मशगूल जो मुत्तकी रहे हैं। जमीन के फट जाने में अब देर है कैसी,
इन अफाल में मुलविस हम सभी रहे हैं। हमारे ऑफिस से वापस जाने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन यहाँ सीन हो गया। भाईजान की बाइक पंचर हो गई। भाईजान यहाँ रुक कीजिएगा अपना। सर सर अब क्या हल क्या है इसका बताएं? वापस तो जाना है ना। देखें इतनी गर्मी में यमी आज रोलेगा, देखते हैं क्या बनता है। इंदा भाई इस भाई की बाइक पंचर हो गई है। मैंने दूसरे दोस्त को कॉल की है, वो आ रहा है मुझे लेने। इस गर्मी में खड़ा होना भी बड़ा महाल है। यू कैन सी द सन बैक ऑफ मी। तो यहाँ पे अभी वेट कर रहा हूँ उसका। लेट्स प्रे कि जल्दी आ जाए। दादी की हालत देख सकते हो। ये बाइक पंचर 2023 मॉडल न्यू निकला है। अभी कितनी रीडिंग है मेरी जान? सिर्फ 3000 चली है और पंचर होगी। ऐसा क्यों है मेरी जान? जोर बहुत ज़्यादा ना? जोर बहुत ज़्यादा नहीं यार, लग नहीं रहा इतना। चलो वो एक जुमला बहुत मशहूर है अमदार साहब, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे। देखे हम जलील हो रहे हैं ना, टायर पंचर हो गया हमारा, लेकिन ये भाई हमारे लिए खड़े। कितने प्यारे हैं सर आप। कैसे आप सर? ठीक है। बोल दे रहे सर आप कुछ भी? मैं क्या बोलूं? आप फिलहाल पंचर इनका लग रहे हो सर। ये बताओ दलालत कितना फील हो रही है? बहुत ज़्यादा। चलो ये दलालत हमेशा याद रखी जाएगी और ये रिकॉर्ड हो जाएगी। घर वापस आ चुका हूँ। आज की ट्रेजेडी वेरी बैड जो हमारे साथ हुई है वापसी आते वक्त, कि हमारे बाइक का टायर पंचर हो गया और हमने इतनी गर्मी में उस टायर मतलब बाइक को लिया। इट वॉज रियली हिलेरियस फॉर अस। खैर घर वापस आ चुके हैं, अब सुकून है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कल। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मेरे मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ हो नासिर।